दोस्तों सबके पास तो ग्रीन स्क्रीन नहीं होता, इसलिए मैं सोचा ये वीडियो बनाऊं। हर कोई जानता होगा शायद, पर मुझे लगा बना लेना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कैसे बिना ग्रीन स्क्रीन के मदद से हम अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो कीप वाचिंग लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट अ ये रहा एक वीडियो क्लिप जो मैंने शूट किया हूँ। देखिए ये जो लेवल है इससे ऊपर को हम बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसके नीचे हमारा मूवमेंट रहना चाहिए। ध्यान रखना कि उस बॉर्डर के पास जैसे हमारा जो बॉडी है हमारा जो कैरेक्टर है वो ना जाए, जिसके दौरान हमारा बैकग्राउंड इरेज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जब शूट करेंगे वीडियो उस रेफरेंस के लाइन अंडर शूट करेंगे, जैसे कि हमारा बॉडी उसके लाइन के ऊपर मौज है, ऊपर का मौज है, इसके प्रति ध्यान देना उधर चाहिए। अपना बैकग्राउंड इरेज करेंगे। सो इसी तरह से हम अपना वीडियो शूट करना चाहिए। उसके बाद मुझे रेफरेंस लाइन के ऊपर एक हम आर्टिफिशियल एक ग्रीन स्क्रीन लगाएंगे, एक लेयर लेके हैंडराइटिंग बल के एक लेयर है, लेयर ऑप्शन है, उसमें ग्रीन कलर चूज करके एक स्क्वायर बटन है ये वाला, इसमें इससे एक आर्टिफिशियल ग्रीन स्क्रीन बॉक्स लगा देंगे उधर से, जिस तक हमारा बैकग्राउंड इरेज करना है। देखिए ये वाला ऐसे लगा दें, हम जो रेफरेंस लाइन लेते उधर लेके वीडियो सेव कर देते हैं। 7 होने के बाद हम जो ग्रीन स्क्रीन लगाए थे उस पेज को रिटर्न करेंगे और नीचे जो बटन दिया हुआ है उसमें उससे हम एक स्क्रीन कैप्चर ले लेंगे जो कि हमारा मोबाइल में सेव हो जाएगा। उसको वो जो कैप्चर को लेके एक बैकग्राउंड इरेज बोल के एक पॉपुलर एप्लीकेशन है एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसमें डाल के हम कुछ क्लिप्स लेंगे, कुछ स्टिकर्स बनाएंगे जो हमारा बेसिक नीड है। वो जो छोटा सा मंदिर है उधर एक पानी की वाटर टैंक है, उसको हम इरेज कर लेंगे। तो हमें जो भी चाहिए उसको इरेज करके हम सेव कर लेंगे। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो हम लोग थोड़ा स्किप कर लेंगे वीडियो, तो लंबा हो रहा है आपको भी बोर लगेगा। ये देखो जो हमारा चाहिए तो हमारा टिकट चाहिए उसको इरेज कर लेंगे, उसके बाद इसको सेव कर लेंगे, चेक करके फिर रिटर्न करेंगे हमारा कैन मास्टर। ओपन हो गया कैन मास्टर, उसके बाद हम डिलीट कर लेंगे, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम एक बैकग्राउंड चूज करेंगे हमारा, एक माउंटेन बैकग्राउंड, माउंटेन नेचर वाला बैकग्राउंड चूज करेंगे जो पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ मैंने। अभी डाउनलोड करेंगे, इंटरनेट पर बहुत सारा मिलता है, बहुत सारा सीनरी, बहुत सारा माउंटेन, बहुत सारा इसके अलावा आप लगा सकते हैं लाइव बैकग्राउंड, बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो वाला जो बैकग्राउंड है, उसके बाद हमारा जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो क्लिप हम एक्सपोर्ट किए थे आर्टिफिशियल ग्रीन स्क्रीन लगा के, उसको एक्सपोर्ट करेंगे इसमें करके, जिस तक है इस तक हमारा बैकग्राउंड को ड्रैग करेंगे फुल्ली, उसके बाद एडजस्ट करके, उसके बाद एडजस्ट करेंगे हमारे बैकग्राउंड के साथ, उसके बाद हमारा रोमा के ओपन करके इसका इनेबल करके हमें वो ग्रीन स्क्रीन को हटा लेंगे साइड से, उसके बाद एडजस्ट करेंगे, इधर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद
background kuda adjust kallandi according to background. इस नंबर को देख लेना, जिसे जिसे रखा है रखे हो वैसे ही वो जो हम स्टिकर बनाए थे उसको भी वैसे ही एडजस्ट करेंगे. ये रहा स्टिकर, इधर सेट करेंगे जैसे पर उसको पूरा सेट कर लेंगे. उसके बाद इसको भी वैसे ही कलर एडजस्ट करेंगे. जो नंबर देखे थे वैसे ही नंबर एडजस्ट करने से हम पूरा एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि पता नहीं चलेगा. लेकिन जितना भी नंबर का एक्सप्रेस नेगेटिव 21 पॉजिटिव 140 वो वाला 0, ब्राइटनेस रहेगा 21 जो ये नेगेटिव में है उसका, और ओपन वन फोर्टी वो हो गया 140. इसको 0 रहने देते हैं. इसके बाद सेव करो, इसको डार्क कर लेंगे पूरा, डार्क कर लेंगे पूरा एंटर एडजस्टिंग कर लेंगे. देखिए पूरा हो गए, दोनों सेम हो गए. इसको ट्रिम कर लेंगे सबको एक साथ में. Then हम एक लाइव प्रोग्राम रख के देखते हैं कैसे दिखता है. देखिए फ्रेंड, लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छा लुक देता है. इसमें पता चलता है प्रोग्राम चेंज हुआ बहुत के. देखिए हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है यूट्यूब में, आप ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल एंड मूविंग क्लाउड. वैसे ही नेचुरल बैकग्राउंड बहुत सारे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. एंड पीएनजी सब है, जैसे ही माउंटेन पीएनजी डन में बहुत सारे है, उधर बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह पीएनजी को, माउंटेन का जो पीएनजी है वो पीएनजी बोलते हैं, को इधर सेट करेंगे. इसको थोड़ा बैक को ले लेंगे, इधर का सेंट बैक हो जाएगा. तो यह बैक पे चला गया. देखिए बैकग्राउंड कैसा पर्सनली सेट कर रहा है, ये मूवमेंट भी हो रहा है, कितना कूल दिख रहा है. इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ये वाला ट्राई कर लेते हैं. हो गया, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे. अभी ये वाला डाल के इसकी तरफ ब्लैक करना है, थोड़ा अंधेरा दिखने से हमारा बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा. देखिए बादल चल रहा है, अभी थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, तो थोड़ा अंधेरा रहना चाहिए. इसलिए मैंने और एक स्टिकर लगाया. हो गया, देखिए कैसे प्रोफेशनली बन गया हमारा वीडियो. वैसे ही अब बहुत सारा बना सकते हैं, जैसे ही शूट करके बहुत सारा वीडियो ट्राई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अब तक हमारे वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. इसमें कोई सी किसी प्रकार की चार्जेस नहीं लगता, तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड कीप वॉचिंग एंड मेक समथिंग अमेजिंग. देखिए इस तरफ इसी तरह आप बैकग्राउंड सब है, आप लोग ग्रीडमेट से डाउनलोड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी सीखे हो इस वीडियो से, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. अगर किसी तरह डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.